गुड मॉर्निंग, स्टार्ट न्यू वीडियो, इरेगुलर शेप न्यू वीडियो। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है एक रोड के साथ आपका वीडियो का प्लान मैंने एक लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए क्या क्या है। यहाँ पर फ्रंट में रोड है पर इरेगुलर शेप का जो है, यहाँ पर जो है तो दोस्तों देखिए एज पर वास्तु यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है पूरा बिल्डिंग में। तो यहाँ पर जो है 1.2 डेसीमेल का जो प्लॉट है, यहाँ पर इस प्लॉट के ऊपर मैंने बिल्डिंग प्लान को यहाँ पर स्टार्ट किया। तो 750 स्क्वायर फीट के अंदर ये बिल्डिंग प्लान है। ठीक है, 1.2 डेसीमेल इसका मतलब 1300 स्क्वायर फीट का अंदर इसका जो प्लान है। ठीक है, देखिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो है इधर से गेट, मेन गेट इधर मैंने रखा है। ठीक है दोस्तों, मेन गेट इधर से स्टार्ट होता है। उसके बाद इधर जो है किचन, ठीक है यहाँ पर डोर दोस्तों। तो किचन का जो मेजरमेंट इधर पर मैंने रखा है 7 फीट 5 इंच इधर है। तो इरेगुलर शेप में कैसे मैंने इसको यहाँ पर सेट किया, और इधर जो है 6 फीट 8 इंच। ओके, तो देखा इसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम को मैंने सेट किया। मैंने जैसे जहाँ पर जैसे है 4 फीट छोड़ के मैंने ऐसे ही रख दिया। देखिए यहाँ पर 4 फीट छोड़ के मैंने इधर प्लॉट को सेट किया। ठीक है बिल्डिंग का एरिया, तो यहाँ पर एक बेडरूम जिसका साइज 10 फीट 2 इंच और इधर का जो साइज है 10 फीट 9 इंच। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। तो आप इधर साइड में एक विंडो प्रोवाइड कीजिए, इधर भी एक विंडो प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, इधर पे आप विंडो प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, इधर भी आप कर सकते हैं। तो गेट इधर एक विंडो प्रोवाइड कीजिए, जो स्टेयर इधर से आप होकर ऊपर जाएगा। नेक्स्ट इधर एक बेडरूम, बेडरूम मैंने इधर सेट किया। तो बेडरूम का जो साइज है 10 फीट इधर, ओके दोस्तों, और इधर जो है 13 फीट का। ओके, ये मास्टर बेडरूम है यहाँ पर। ठीक है, इधर जो है डोर, और इधर जो एक मैंने वॉशरूम रख दिया यहाँ पर वॉश का, जिसका साइज 5 फीट इधर और इधर जो है 3 फीट 11 इंच मैंने रख दिया। ठीक है, 3 फीट 11 इंच का इधर, और इधर जो है 5 फीट का एक बाथ एंड लैट्रिन एक साथ मैंने रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर भी डोर, यहाँ पर डोर। तो इधर का जो साइज है इधर तो 6 फीट 4 इंच। ठीक है, बाथ एंड इधर, तो इधर इसके बाद यहाँ पर जो एक लिविंग, लिविंग इधर टोटल जो है लिविंग एरिया, इधर भी लिविंग। ठीक है, टोटली लिविंग, ड्राइंग जो भी है टोटल एरिया मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इसका जो मेजरमेंट है इधर 8 फीट 8 इंच का इधर, तो इधर जो मेजरमेंट है 14 फीट 6 इंच का इधर से, और इधर जो मेजरमेंट है 10 फीट 11 इंच का, और इधर का जो मेजरमेंट है 12 फीट 10 इंच का। ठीक है, और इधर से इधर का जो है यहाँ पर डाइनिंग एज पर वास्तु डाइनिंग हॉल जहाँ पर है 8 फीट 4 इंच। ठीक है, और इधर जो है 11 फीट का। आप वास्तु के साथ देखिए, हो सकता है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विंडो, यहाँ पर विंडो, यहाँ पर आपका वेंटिलेशन, यहाँ पर आपका वेंटिलेशन। ठीक है, यहाँ पर विंडो आप प्रोवाइड कीजिए। तो इसमें तो मेन जो यहाँ पर एक विंडो चाहिए फ्रंट में रोड में। ओके, तो दोस्तों ये प्लान में आपको मैं अभी दिखाऊंगा जो इसका जो वॉल का जो वॉल कहाँ पर होना, एक कैसे वॉल का जो मेजरमेंट यहाँ पर मैं उसका जो मार्क, वॉल का मार्क यहाँ पर कर देते हो तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कैसे वॉल प्रोवाइड करना है। ये जो वॉल है आउटसाइड का सभी 5 इंच का वॉल है। ठीक है दोस्तों,
तो इरेगुलर शेप में कैसे बिल्डिंग प्लान करना है, इसमें से आपको कुछ नॉलेज आ जाएगा। ये सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो है, फाइनल वीडियो तो आपके पास नहीं है, तो ये फाइनल वीडियो आप इसको भी कर सकते हैं या आप इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है हाँ इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपको प्रपोजल प्लान है, इसको आप देखिए पहले। आपके पास कोई भी इरेगुलर शेप है तो आपको आप इस टाइप का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कॉलम पोजीशन आएगा, कॉलम आपको ऐसे ही करना चाहिए, जहाँ पर आपका 4 ठो कोना होगा पहले, वहाँ पर आप पहले कॉलम को फिट कीजिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट कोने में, जहाँ पर आपको मेन कॉलम का देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये इरेगुलर शेप का है, यहाँ पर आपको कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे आएगा तो सेंटर में ऐसे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का प्लान। प्लान अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। अरे और जो यहाँ पर जो प्लानिंग है, इस प्लान में आपको कितना कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट आएगा यहाँ इधर आपका 10 लाख रुपीस, ठीक है। 10 लाख रुपीस के अंदर आप इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसे लगे, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये इरेगुलर शेप का प्लान है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं।